देखो ओके, हम एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है बेटा वो 3.1 चल रही है। हमारे एक्सरसाइज का नाम है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या नाम है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कौन सी एक्सरसाइज? हमारे चैप्टर नंबर कौन सा है? थर्ड। तो हम चैप्टर नंबर बात कर रहे बेटा, हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर थर्ड। और इस चैप्टर नंबर थर्ड में जो एक्सरसाइज हमारी अभी पढ़ रहे वो है 3.1। ओके, अब इसके अंदर हमने जो क्वेश्चन कर लिया था सेवन तक, क्वेश्चन हमारे कंप्लीटली हो गए थे। सेवन तक हमारे जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या हो गए थे? कंप्लीट हो गए थे। ओके, अब हम इसके आगे के क्वेश्चन करने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर एट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर एट है बेटा वो क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन नंबर एट है वो मेरे ये कह रहा है, 408 बॉल्स कैन बी फील्ड इन वन बॉक्स। है ना, वन बॉक्स के अंदर, यानी जो वन बॉक्स है उसमें कितनी बॉल्स कंटेन करता है बेटा, फिल करता है? 400 बॉल, सॉरी 408 बॉल। ओके, वन बॉक्स के अंदर कितनी बॉल आती है बेटा? 408 बॉल्स आती है। कितनी बॉल्स आती है वन बॉक्स के अंदर? 408 बॉल्स आती है। ओके बेटा, अब हमसे आगे कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स दैट कैन बी फिल इन 36,300 बॉल। यानी वन बॉक्स में इतनी आती है तो 634, रुको मैं देखता हूँ, सही है ना? हाँ, 634 बॉक्सेज में कितनी बॉल्स आएगी? यानी वन बॉक्स में इतनी आती है तो 334 बॉक्स में कितनी आएगी? कल मैंने आपको इसी टाइप के क्वेश्चन कराए थे। किस टाइप के? ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाए थे। कौन से करवाए थे? अगर वन पेन, मैं एक मार्कर ले जाता हूँ, एक पेन ले जाता हूँ मार्केट में, अगर एक पेन बेटा मेरा वन पेन की जो प्राइस है, वन पेन का प्राइस मैंने 5 रुपीज लिया, 5 वाला पेन लेके आते हैं, तो वन पेन का जो मेरा प्राइस है ना बेटा, देखो बिल्कुल सेम ले क्वेश्चन है। जो मेरा वन पेन का, एक पेन का जो मेरा प्राइस है वो सर मैंने 5 रुपीज लिया, तो बताओ सर टू पेन कितने में आएंगे? सर 10 रुपीज में आएंगे। 5 पेन कितने में आएंगे? सर 55 में आएंगे। कैसे फाइंड आउट किया? सर कुछ नहीं किया, एक पेन 5 का आता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 10 के आएंगे, 2 10 के आएंगे। सर 5 25 कैसे आएंगे? एक पेन 5 का आता है, कितने पेन चाहिए? सर 5 पेन चाहिए, सर 25 के आएंगे। ओके बेटा, ये हमने कर लिया था। लिख ओके, ये हमने कर लिया है। जो हमारे 64 बॉक्सेज है उनका प्राइस क्या होगा? सर सिंपल है, वन बॉक्स में कितनी आती है सर? 408 आती है ना, तो सर 364 में कितनी आएगी? 634 यही तो आएगी बेटा। जब वन बॉक्स में इतनी आती है तो बॉल्स इतनी आएगी है ना, तो हम कह सकते हैं 364 बॉल बॉक्स कंटेन द बॉल। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और बेटा आपको मल्टीप्लाई करने का वर्क तो आपका है ना, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह मल्टीप्लाई करना सिखाया है, या आप मल्टीप्लाई सेल्फ करोगे। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ ए बुक इज 250। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्राइस ऑफ, क्या बेटा? प्राइस ऑफ ए वन बुक है ना, क्या प्राइस ऑफ ए बुक? एक बुक का प्राइस है 250 रुपीज। ओके बेटा, कितना बेटा प्राइस हमारे यहाँ पे? प्राइस ऑफ ए बुक इज 250 रुपीज। जो वन बुक का प्राइस है वो कितना है बेटा? 250 रुपीज है। हमसे क्या पूछ रहा है? प्राइस ऑफ, व्हाट इज द अमाउंट रेंडेड बाय द 140 सच बुक्स। तो प्राइस ऑफ, या अपन क्या निकाला बेटा? प्राइस ऑफ 40 बुक्स, प्राइस ऑफ सॉरी 140 बुक्स का है ना, तो 140 बुक्स का जब मैं प्राइस निकालूंगा तो वन बुक्स का प्राइस सर 250 है, तो इसको 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएंगे वो आप फाइंड आउट कर सकते हो ना बेटा। ओके, नाउ यस द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, 8 हो गया, 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बेटा? देखो, इन ए बॉयज हॉस्टल, एक बॉयज हॉस्टल है, इन ए बॉयज हॉस्टल द अमाउंट स्पेंट फॉर द बॉयज पर डे इज 350 रुपीज। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 30 डेज। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना ऑलरेडी, तो देखो कैसे करेंगे। हम कहेंगे स्पेंट, देखो
अमाउंट स्पेंट फॉर द बॉयज पर डे इज रिपीट, है ना। तो जो पर डे अमाउंट है, पर डे का जो बेटा मेरा पर डे अमाउंट है वो कितना है बेटा, 350 रुपीज है। ठीक है, अमाउंट स्पेंट इन, अमाउंट स्पेंट इन 30 डेज कितना होगा, 350 मल्टीप्लाई बाय 30। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। सर ये लिखना है क्या? देखो वन बॉक्स में बॉल कितनी आती है बेटा, 400 बॉल्स आती है, तो 364 में बॉक्स कितना आएगी, 408 मल्टीप्लाई बाय 364। सिमिलरली क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं प्राइस ऑफ वन बुक्स का प्राइस कितना है, 250 है, तो प्राइस ऑफ 140 कितना होगा, प्राइस ऑफ 140 बुक्स कितना होगा। तो एक बुक्स का प्राइस अगर 250 है तो हम 140 बुक्स का निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 250 मल्टीप्लाई बाय 140। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 10, पर डे अमाउंट जो हॉस्टल के अंदर पे अमाउंट स्पेंड करते हैं वो कितना करता है, 350 रुपीज कितना करता है वन डे में, 350 रुपीज वन डे में स्पेंड करते हैं। ओके, अब 350 रुपीज करते हैं तो 30 डेज में कितना होगा बेटा, किसमें, 30 डेज में। ओके, तो 30 डेज में हो जाएगा 350 मल्टीप्लाई बाय 30। अब हमसे कह रहा है कि ट्री इन ए रो, एक गार्डन है उसके अंदर एक रो है, एक रो के अंदर ट्री कितने बेटा, 128 है। तो हमसे पूछ रहा है इसी गार्डन में अगर मैं 270 रो लगाऊं तो कितने ट्री चाहिए, तो अगर एक रो में 128 है तो 270 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कह रहा है कि गवावा है ना हमारे पास, एक बास्केट में 112 गवावा आते हैं, तो 190 बास्केट में कितने आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जो हमारे जो एक्सरसाइज है, ओके बेटा, जो हमारी एक्सरसाइज कौन सी थी, 3.1, इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्वेश्चन थे। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है 3.1 ये कंप्लीट हो